एक बार की बात है कि एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वे गांव के लोगों को कर्जा आदि दिया करता था। उसी गांव में तीन चोर दोस्त रहा करते थे। वे तीनों छोटी मोटी चोरियां कर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन अब वे इन छोटी मोटी चोरियों से तंग आ चुके थे। वे तीनों एक बड़ी चोरी करने का मन बनाया, जिससे वो अपना पूरा जीवन चैन से बिता सके। उन्होंने सेठ का घर लूटने का प्लान बनाया और योजना के मुताबिक ही रातों रात सेठ का घर लूट लिया। रात को ही तीनों जंगल के रास्ते शहर की ओर भागने लगे। तीनों के पास धन, गहने और कीमती सामानों से भरी एक एक बोरी थी। अब सुबह हुई तो तीनों को भूख लगने लगी। तभी एक चोर ने खाना ले आने का फैसला किया। बाकी दो चोर उसका जंगल में ही इंतजार कर रहे थे। तभी दोनों चोरों के मन में लालच आ गया और उन्होंने तीसरे चोर को, जो खाना लाने गया था, उसको मार कर उसके सारे माल को हड़पने की योजना बनाई। वही जो चोर खाना लाने गया था, उसके मन में भी लालच आया और उसने भी ऐसा ही सोचा। उसने खाना खिलाकर मारने की योजना बनाई। उसने खुद तो पेट भर कर खाना खाया और उनके लिए खाने में जहर मिलाकर ले गया। जंगल में पहुंचते ही दोनों चोर दोस्त उस पर टूट पड़े, उसको बहुत मारा और वह वहीं पर मर गया। अब दोनों चैन से बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाकर वो दोनों भी तड़प तड़प कर वहीं पर मर गए।